बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ और हमारी आज की बहुत मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी जो रोज़ हम तैयार करते हैं आपके लिए हमारे इस प्रोग्राम में, वो भी तैयार हो गई, जो कि है दाल और पालक। और ब्रेक में जाने से पहले हमारी एक कॉलर का बहुत अच्छा और बहुत ज़रूरी सवाल था जिसका समिया देंगी अभी जवाब। फरनाज ने पूछा था ब्राउन ब्रेड के बारे में, तो वो आप जरा सा इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, अप्रिशिएट दैट, कि हम सुबह दोपहर शाम क्या ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, दिन में तीन तीन दफ़ा ली जा सकती है, और इसमें क्या कितनी कैलोरीज होती हैं और ये कितना लेना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि आपका जो डाइट प्लान होता है, इफ़ यू आर ऑन अ वेट रिडक्शन डाइट, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि दो स्लाइस लेने हैं या एक, right. तो जब आप वेट रिडक्शन डाइट पर है ना, तो एक पहली बात तो ये कि इसका एक स्लाइस जाएगा, दो नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आप दो करेंगे तो ये नॉर्मल चपाती के इक्वल भी होने लगेगा और आपकी नॉर्मल ब्रेड के भी इक्वल होने लगेगा। right. तो एक ब्रेड जब आपकी की जाती है तो आपका जो ओवरऑल मील है उसको कम नहीं किया जा रहा होता, उसके right. साथ आपको या तो फ्रूट दिया जा रहा होता है या सैलेड दिया जा रहा होता है या एग वाइट दिया जा रहा होता है, ओवरऑल जो है आपका स्टमक हम अच्छे से फिल करते हैं, लेकिन ज़्यादा उसमें ब्रेड की क्वांटिटी को हम नहीं बढ़ाते, क्योंकि अगर आप ब्राउन ब्रेड के भी दो दो स्लाइसेस लेंगे तो वो फिर हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट की तरफ चला जाएगा। तो ये दिस शुड बी अ कॉन्सेप्ट, कि क्या कॉन्सेप्ट क्या होता है वेट रिडक्शन डाइट का, कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स को कंट्रोल करना है जो पहले आपके इतने बढ़ रहे थे कि आपके फैट फॉर्मेशन की तरफ जा रहा था। दूसरा ये कि नॉर्मल जो हमारी ब्रेड है वो 80 के कैलोरीज आपको देता है और जो ब्राउन ब्रेड है वो आपको इससे रिड्यूस देता है, लेकिन जो ब्राउन ब्रेड है उसकी इम्पॉर्टेंस उसकी कैलोरीज से ज़्यादा उसका जो है फाइबर उसका है। फाइबर है कि उसका जो फाइबर है वो आपको फिलिंग इफेक्ट देगा, कैलोरीज आपकी कम होंगी लेकिन फिलिंग इफेक्ट आपको ज़्यादा होगा, आपको लगेगा आपने फुल मील लिया है। तो जो हम डाइट प्लान देते हैं, मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि मैं सुबह दोपहर शाम ब्राउन ब्रेड पे ही रखूं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आप जो हैं यू शुड नॉट बी ऑन अ कॉम्प्रोमाइज ऑफ मिनरल्स, या आपको उसके साथ में फ्रूट्स भी इनका इंशाल्लाह इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ, आपके बीन्स ऐड किए जा सकते हैं शाम में, आप किसी तरह की चाट बना सकते हैं शाम में, दोपहर में आप किसी नॉर्मल चपाती भी आप खा सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बिल्कुल चपाती को ओमिट कर दें और ब्राउन ब्रेड्स पर आ जाएँ। तो ये कि ब्राउन ब्रेड को कि वो क्वांटिटी ली जाए जो आपके डाइट प्लान में आपको दी गई है, और पॉसिबल है कि आपने तीन दफ़ा अगर ब्राउन ब्रेड ली है और आपके वेट को हल्का सा फ्लक्चुएशन मिलाओ, तो उसकी वजह यही होती है कि आप पहले जो डाइट प्लान फॉलो कर रहे थे उससे थोड़ा सा आपने डिफरेंस दे दिया तो आपको वेट में डिफरेंस नज़र आ गया, लेकिन इसी को फॉलो करेंगे तो वेट आपका स्टक हो जाएगा। और तो, साथ ही हम ये भी बात करना चाहेंगे कि पानी के हवाले से पानी कितना ज़्यादा ज़रूरी है नाज़रीन, स्पेशली इनफैक्ट ऑल ईयर राउंड। और बहुत सी हमें सवालात ऐसे आते हैं कि हमें पानी पसंद नहीं है, पानी का टेस्ट नहीं पसंद, तो मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में एक थोड़ी सी गाइडलाइन दी थी कि आप पानी ज़रूर पीजिए, क्योंकि पानी जो है वो आपके सारे बुरे टॉक्सिन्स फ्लश आउट कर देता है और आपको हाइड्रेटेड रखता है, और वही अगर आपको आप हाइड्रेटेड नहीं होंगे तो फिर आप डिहाइड्रेटेड होंगे, और डिहाइड्रेटेड अगर होंगे तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, हमने उसके बारे में भी पानी के फवायद के हवाले से एक बुकलेट तैयार की है जो अवेलेबल है आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑब्वियसली उसी तरह जैसे हमारे डाइट प्लान्स जा रहे हैं। अगर आपको उसमें आपको चाहिए ये पानी के फवायद की बुकलेट तो आप हमसे रابطہ कर सकते हैं, और इसी के हवाले से गर्मियों में आप सबके लिए रिफ्रेश्ड एक ड्रिंक हम आपके लिए आज तैयार करेंगे, क्योंकि बच्चों के हवाले से भी उनके सुबह उनको भी जितनी एनर्जी चाहिए होती है पढ़ने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन के लिए, जो उनकी बॉटल्ड ड्रिंक आप उनको दें, तो उसके हवाले से भी हम आपके लिए बड़ा मज़ेदार आज एक स्क्वॉश तैयार करेंगे, और वो है नथिंग लेस देन द बेस्ट नॉरस का बहुत मज़ेदार मैंगो स्क्वॉश, लेकिन उसको भी हम एक ट्विस्ट से तैयार करेंगे। आप देखिएगा बड़ी इंटरेस्टिंग ये रेसिपी है, सिंपल सी रेसिपी है, सिर्फ हमने इसमें 2 टीस्पून, ये 1 ग्लास की रेसिपी है, आप नोट कर लीजिए, 2 टीस्पून आपने इसमें नॉरस मैंगो स्क्वॉश शामिल किया। और इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें यह है कि इसमें हम पानी नहीं शामिल करेंगे, इसमें हम आप चाहें तो कार्बोनेटेड वाटर या इसमें आप सोडा शामिल कीजिए, सोडा आपने इसमें शामिल किया अप्रोक्सीमेटली 1 ग्लास, और इसमें आपने क्योंकि गर्मी इतनी है खूब आपकी ये थर्स्ट क्वेंच करेगा, एनर्जी देगा और आप एकदम ठंडा महसूस करेंगे। अच्छा जी, 1 टेबलस्पून इसमें नींबू का रस, हमने ये टेंशन रिलीवर भी है, टेंशन रिलीवर भी exactly, है, you're absolutely right. ये कि किसी की टेंशन रिलीव करनी है तो नॉरस की ये ठंडक ड्रिंक पिला दें बिल्कुल, और खूब सारी आपने इसमें बर्फ शामिल करनी है, तो आपको ब्लेंड करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ एक बड़े जग में
ये तीनों चीजें सारी अच्छी तरह मिक्स करनी है और उसके बाद आप एक ग्लास में इसको पोर कर दीजिए। खूब जबरदस्त कॉम्बिनेशन, गर्मियां भी आ रही हैं और दिस इज द परफेक्ट चॉइस। अच्छा जी, तो बात असल में हो रही थी डिहाइड्रेशन के हवाले से, क्योंकि डिहाइड्रेशन जो है उससे बहुत इंसान जो है उसके सर में दर्द भी होती है, नौजिया भी होता है, लो शुगर भी होता है, इंसान को पता नहीं चलता कि उनको वो सफर कर रहे हैं डिहाइड्रेशन से, और वो होता ही है कि पानी की कमी से ये सब मुश्किलात होती है। आई वुड लाइक टू ऐड कि जब गर्मियों में बहुत स्वेटिंग भी बहुत ज्यादा है, आपका मिनरल लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है। इन शॉर्ट मिनरल लॉस ज्यादा होने से आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं, डिहाइड्रेशन से एक और इफेक्ट कॉन्स्टिपेशन का भी आ जाता है। ये कि आपकी डाइट में फाइबर भी है, आप सब चीजें ले रहे हैं, स्टिल देयर इज कॉन्स्टिपेशन, तो वजह ये होती है कि आप इनफ वाटर नहीं ले रहे जो आपके इंटेस्टाइन्स में जो फूड जा रहा है उसको सॉफ्टन कर सके। तो ये वाटर के तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन इजी वे कि आपकी स्किन टॉक्सिन से साफ हो सके, स्किन भी, और आपका ओवरऑल जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको, क्योंकि जब व्हेन यू आर कॉन्स्टिपेटेड इट मींस कि जो आपके टॉक्सिन्स हैं दीज आर स्टक इनसाइड। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है वाटर इनटेक अपना ज़्यादा ही रखें। ये वो चीज़ है जिसका आपको इनटेक ना कोई रिस्ट्रिक्ट करना है, एज मच एज यू कैन, समर्स हैं आपकी तो आप उसको। That's great. Thank you, बतूल, आपकी इतनी जबरदस्त इनपुट आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को बहुत फायदा पहुंचा रही होगी। और नाज़रीन, जिन हमारी बहनों ने आज हमें फोन किया है और रिक्वेस्ट दी है डाइट प्लान्स की, इंशाल्लाह 8 से 10 दिन में आपकी अमानत आपको मिल जाएगी। अमल जरूर कीजिएगा, स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो कीजिएगा और देखिएगा कितनी तेजी से इंशाल्लाह वजन गिरता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ नाज़रीन मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।